हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं। उसके क्या रूल हैं, कैसे उसकी नेमिंग की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको दिया, उसमें हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेते हुए किस तरीके से पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नेम लिखने के लिए, किस तरीके से पैरेंट चेन हम उसको डिसाइड करेंगे उसके बारे में सीखा, और उस पैरेंट चेन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर आपके साइड ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी पोजीशन यानी उनका स्थान बताने के लिए हमने पैरेंट चेन की नंबरिंग करना सीखा, और फिर उसके बाद उनके IUPAC नेम को लिखे। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर हमारे प्रेफिक्स फॉर्म में हैं तो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर लेके चलते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग ने वहाँ पर सीखा और उसके एग्जाम्पल भी लगाया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है बेटा, तो आप उसको देखिए ज़रूर। उसको देखने से आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने के लिए। उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पैरेंट चेन का सिलेक्शन, उसकी नंबरिंग, वो सभी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताया। तो उसी में ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तो उस एग्जाम्पल को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया था बेटा, वह था बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में। जैसे आप लिखते हो CH2, CH2, CH3, इस तरह लिखते हैं, तो हम कार्बन और हाइड्रोजन को हिडन रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं, और हम केवल बॉन्ड से बनाकर हम ये पता करते हैं उसका क्या IUPAC नेम है। मतलब देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है जिसमें बॉन्ड ही केवल दिख रहा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, हिडन है। हिडन मतलब समझते हो, छुपा हुआ है या अंडरस्टूड है। तो इस नोटेशन को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड लाइन नोटेशन। अच्छा, इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्केल्टन स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कार्बन ही कार्बन रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ कैसे अंडरस्टूड करेंगे कहाँ पर कार्बन होगा? जहाँ पर टर्मिनल पॉइंट दिख, जैसे देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये मान लो ये एग्जाम्पल है। तो किसी भी कंपाउंड का ये जो टर्मिनल होता है, बॉन्ड का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और जितने वर्टिक्स मिलेंगे, ये वर्टिक्स इस तरीके से मुड़े हुए, ठीक है, तो ये हमारा भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका एंड वाला पॉइंट भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो बचे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो बचे कितने, 2 बॉन्ड। तो जो बॉन्ड हमारे ये बचे हुए हैं, जो फ्री हैं, यही हमारे हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा CH3। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा CH3। फिर इधर आइए, फिर ये कार्बन है, इसकी 2 वैलेंसी तो बॉन्ड के साथ दिखाया हुआ है, और 2 वैलेंसी आप अंडरस्टूड करेंगे, ये अंडरस्टूड क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यही क्या बन जाएगा, CH2। ऐसे ये भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भी CH2, और ये जो एंड वाला पॉइंट है, ये क्या बन जाएगा, CH3। मतलब कि इसको CH2 CH3 के फॉर्म में ना लिखकर हम ऐसे बॉन्ड बना के लिखेंगे, तो केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जो उसका एंड पॉइंट है, किसी बॉन्ड का एंड पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट, वो कार्बन, और कहीं पर वर्टिसेस मिल जाएं इस तरह से, तो वो भी हमारा क्या होगा बेटा, कार्बन को एज्यूम करिएगा, ठीक है। और बाकी उसके साथ हाइड्रोजन का तो जुड़ा ही होगा उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, और उसी के फॉर्म में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था। तो आई होप आप लोग ने समझा होगा, इसको मैंने उसमें भी बताया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपने उसको देखा होगा, समझा होगा, और IUPAC नेम लिखने का प्रयास भी किया होगा।
तो चलिए आप लोग उसमें देख लीजिए कितना आपने आईयूपीएसी नेम सही लिखा है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। और जो लोग नए हैं, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो भी चीज़ों को समझने के प्रयास करिए। देखिए आपको सारे वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीखना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तैरना जान चाहते हो, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप देखोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया ही अलग है। ये रटने की चीज़ नहीं है, अरे ये तो सीखने की चीज़ है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये हमने एक एग्जांपल दिया था, स्वास्तिक का ही एग्जांपल है, ये स्वास्तिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है अभी मैंने बताया कि जो ये एंड पॉइंट है कार्बन को एज्यूम करिए, जितने वर्टिसेस हैं ये जो क्रॉस पॉइंट है ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, तो ये एज्यूम करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ, पैरेंट चेन। यही हमारा क्या बनाएगा, पैरेंट चेन। सबसे पहला काम ये होता है। ठीक है, अच्छा इसी पैरेंट चेन को हम लोग एल्क कह देते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो उसका एल्क वाला जो पार्ट होता है वह वर्ड रूट होता है, पैरेंट चेन होता है। वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, और इसके जस्ट पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या बताएगा कि हमारा जो कंपाउंड है ए साइक्लिक है कि साइक्लिक है। जैसे मान लो ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक है, ये हमारा क्या है क्लोज्ड चेन है, ये क्या है साइक्लिक है, ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा। और इसके जस्ट पहले आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जैसे ये सब सब्स्टिट्यूएंट है ना, या फिर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है, वो सब इस फॉर्म में आएंगे। और सेकेंडरी सफिक्स ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप बताएगा। तो जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो इसमें हम क्या सिलेक्शन करते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे जो अभी आगे आएगा। ठीक है, तो उसमें हम नेमिंग करेंगे, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की सिलेक्शन कर लेंगे तब उसके बाद सारा चीज़ हमारा जो है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे, जो जिसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा ये कब होगा, कब होगा बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन किस कंडीशन में होगा, जब हमारा कंपाउंड क्या हो, मल्टी फंक्शनल वाला हो, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड, मतलब उसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, OH भी आ जाए, CHO भी आ जाए, है ना, NH2 भी आ जाए, है ना, NO2 भी आ जाए, है ना, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए, कीटोन भी आ जाए, ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप जब आ जाते हैं तब उस केस में हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करते हैं, मतलब कि वो एक प्रिंसिपल होगा जो सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में होगा, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट में। इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में विधिवत तरीके से इसको अच्छे से स्टडी किया है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, जो हमारा ये है। ठीक है, इसको तो आगे आएगा ये सारी चीज़ें। चलिए देखिए, बहुत ध्यान समझेगा, यहाँ पे सबसे पहले आप पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे होगा, पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन की लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस चेन ही हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन। तो देख लीजिए, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, ये पाँच, यहाँ से पाँच कार्बन की चेन मिल रही है। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी पाँच मिल रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी पाँच मिल रहा है। तो कोई भी आप यहाँ पर चेन ले सकते हो, क्योंकि सब जगह से मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, पाँच कार्बन का आ रहा है, यानी हमारी पैरेंट चेन जो हो जाएगी 5 कार्बन की हो जाएगी। तो मान लो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया, जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये हमारी पैरेंट चेन है और इस पैरेंट चेन के साथ ये हमारा 2 कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, जो कि क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये, सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप भी कह सकते हो। कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एल्क में क्या कहते हैं, एल्क इसका क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एथ। अब ये हमारा कोई पैरेंट चेन तो नहीं है, ये तो साइड ग्रुप है। जब साइड ग्रुप होता है तो एल्क के बाद हम क्या लगाते हैं, वाईएल लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। जैसे 2 कार्बन है तो एथ लिखा, तो यहां बस क्या लगा दीजिए, वाईएल लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एथाइल। तो इसे कहते हैं
इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिसको हम लोग एल्किल के फॉर्म में पढ़ते हैं, एल्किनाइल के फॉर्म में पढ़ते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया एल्काइनाइल के फॉर्म में पढ़ते हैं। आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आइए नेम करते हैं इसको फटाफट, टाइम लॉस नहीं करते हैं, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। तो चलिए बताइए बेटा, तो यहाँ पर एक एथाइल ये जुड़ा हुआ है साइड ग्रुप, और यहाँ पर भी दो कार्बन वाला एक एथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए, यानी ये किस प्लेस पर है, हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो चलो नंबरिंग करते हैं। तो चूंकि अभी आप सीख रहे हो, सही पोजीशन बताने के लिए दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ से तीसरे नंबर पे आ गया। इस तीसरे नंबर पे एक एथाइल ये है और इसी तीसरे नंबर पे एक एथाइल ये है। तो चलो देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या अलग पोजीशन आ सकता है। दूसरी तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4 और ये है 5। तो इधर से भी देख रहे हैं कि 3 नंबर मिल रहा है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर साइड ग्रुप को सेम पोजिशन मिल रहा है। तो सेम पोजीशन मिल रहा है, इसका मतलब आपके दोनों तरफ से नंबरिंग करना सही है, करेक्ट। यहाँ से भी राइट है और यहाँ से भी राइट है, तो चाहे जहाँ से कर लो, आप तो बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे। जब सब हमारा पायर एंड चेन का सिलेक्शन हो गया, साइड ग्रुप की पोजीशन यानी उसका लोकेंट हमें पता चल गया, तो आईपीसी नेम लिखेंगे। तो आईपीसी नेम लिखने का सीक्वेंस, सीक्वेंस मत भूलिएगा। सीक्वेंस भूल गए तो फिर आपका आईयूपीएसी नेम गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर आप माथा लगे से पीटोगे, अरे क्या करें। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रफिक्स, साइक्लिक है कि एसाइक्लिक। फिर चौथे नंबर पे हमारा किसका काम आता है? सेकेंडरी प्रफिक्स, और ये चौथे नंबर पे सेकेंडरी सफिक्स। हमेशा चौथे नंबर पर प्राइमरी सेकेंडरी प्रफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को देखिए और लिखिए, कभी आपका आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होगा। तो मतलब क्या है, यहां पर वर्ड रूट कितने कार्बन की है, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन की क्या हो जाएगी? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 5 कार्बन है तो एल का हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, ठीक है। और इस पेंट के जस्ट बाद क्या आता है? प्राइमरी प्रफिक्स। प्राइमरी प्रफिक्स कैसा है? ये ए साइक्लिक है, मतलब ओपन चेन है, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो यहां पर प्राइमरी प्रफिक्स को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट सेकेंडरी प्रफिक्स। सेकेंडरी प्रफिक्स की पहचान किसके रूप में हुई? एथाइल के रूप में हुई। यहां दो कार्बन का, यहां दो कार्बन। इनका लोकेंट क्या है? लोकेंट मतलब कहां पर इनका स्थान है? तीसरे पर है। तो एक 3 इसके लिए और एक 3 इसके लिए। अच्छा, दोनों एथाइल एक जैसे हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, तो उनके एक साथ लिखने के लिए आईयूपीएसी ने एक रूल दिया है। उसने कहा है कि जब एक सेम सब्स्टिट्यूएंट, एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट दो बार आ जाएं, तो उसके लिए क्या लिख दो? डाई। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट 3 बार आ जाएं, तो क्या लिख दो? ट्राई। जब 4 बार आ जाएं, तो क्या लिख दीजिए? टेट्रा। 5 बार आ जाए तो क्या लिख दीजिए? पेंटा। अगर 5 बार आ गया पेंटा। अच्छा, ये जो डाई ट्राई लगाते हो, ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। डाई ट्राई ये हमारा केवल एक नंबर बताता है कि हाँ इतने नंबर में है। हम उनको जो है हम मेन नहीं रखेंगे, अल्फाबेटिकल में प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट नहीं करेंगे। वो तो केवल एक कलेक्शन बताता है कि इतने नंबर में हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक साथ, मतलब डाई मतलब दो, तो हमारा नंबर है, तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जमाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर दो हैं, एक ही जैसे हैं, तो डाई वर्ड यूज कर दीजिए। विद लोकेंट, लोकेंट के साथ, याद रखना इनको, विद लोकेंट, विद
लोकेंड यानी स्थान को बताते हुए आप उसकी मतलब लिखिएगा ये डाई के साथ इनके सब्स्टिट्यूएंट को कैसे। देखो एक थ्री पर एक एथाइल तो एक थ्री इसके लिए, और हमेशा नंबर के बीच में कॉमा होता है आप सभी जानते हैं बता चुके हैं। फिर एक एथाइल ये भी है तो उसका भी क्या है थ्री, यानी थ्री थ्री मतलब दोनों एक एथाइल इसके लिए एक एथाइल, मतलब कहने का हर सब्स्टिट्यूएंट को लोकेशन देना पड़ेगा, हर सब्स्टिट्यूएंट के को बताने के लिए उसका लोकेंट बताना पड़ेगा, उनका नंबर बताना पड़ेगा कि किस स्थान पे हैं। अगर एक ही स्थान पर दो हैं तो वो नंबर दोनों में दोनों के लिए बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री एथाइल कितने दो ही हैं तो डाई एथाइल आप लिख दीजिए, ये देखो लिख दिया तो क्या नाम हो गया थ्री थ्री डाई एथाइल पेंटेन। अगर आप चाहो ऐसे लिख दो थ्री एथाइल पेंटेन, तो क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, ये गलत नहीं है, कोई माई का लाल इसको गलत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने रूल पर लिखा हुआ है, आईयूपीएससी के रूल पर ये नेम लिखा हुआ है। हमने क्या किया, आईयूपीएससी के दिए हुए कुछ सुविधाओं का यूज किया, तो सुविधा इसका क्या है कि डाई लिख दो, अगर दो बार आ रहा है तो डाई लिख दिया, इसीलिए हमने डाई एथाइल लिख दिया, और लोकेंट थ्री थ्री है, लोकेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको मिटाते हैं, ये नीचे वाला आपको समझाने के लिए बताया था, आइए नीचे वाला आईयूपीएससी नेम करते हैं, ये वाला अब नेक्स्ट इसका हो गया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें देखो इसमें बेटा बताइए पैरेंट चेन, चलो गिनते हैं एक दो तीन, ये तो नहीं है, तीन नंबर आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि ऊपर से भी छः आ रहा है नीचे से भी छः आ रहा है, तो पैरेंट चेन का नंबरिंग कर दिया और सॉरी पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर दिया, तो पैरेंट चेन कितने कार्बन के हो गए, छः कार्बन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से नंबरिंग इधर से कर दिया, ठीक है। अब उधर से कर लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट एक एक कार्बन वाला है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम चेक करेंगे तो क्या हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं या जो हमारे साइड ग्रुप हैं अलग अलग नंबर अलग अलग लोकेंट गेन कर रहे हैं कि एक ही लोकेंट गेन कर रहे हैं, यानी सेम लोकेंट को गेन कर रहे हैं। चेक करो, ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन वाला है ये, ठीक है, यानी मिथाइल है, क्या है ये बेटा, मिथाइल, दोनों ही मिथाइल है। यहाँ से चलेंगे तो दूसरा नंबर और वहाँ पर ये पांचवा नंबर, उधर से चलेंगे तो यहाँ दूसरा नंबर और ये पांचवा नंबर, मतलब पांच और दो यहाँ से भी हैं, यानी कि फाइव। अगर इधर से चलेंगे बेटा, अगर इधर से चलेंगे तो टू नंबर पे प्लस फाइव नंबर पे, उधर से चलेंगे तो टू नंबर पे प्लस फाइव नंबर पे, तो दो नंबर बराबर आ रहा है, इसका सम बराबर आ रहा है, तो लोवेस्ट वाली बात ही नहीं हो गई क्योंकि दोनों तरफ से बराबर आ गया। अगर डिफरेंट आता तो जिसका नंबर कम होता, जिसका जोड़ कम होता, हम वहां से नंबरिंग करना हम करेक्ट कर लेते, यानी हमारा वहां से नंबरिंग करना सही होता, लेकिन जब दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हो, जैसे इसमें था, ठीक है। अच्छा सेट भी देखो बराबर आ रहा है, दो दो पाँच पाँच, तो कहीं से भी नंबरिंग करिए, दोनों तरफ से नंबरिंग क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए आईयूपीएससी नेम लिखते हैं फटाफट, बिल्कुल यही तरीका यूज करेंगे, डाई ट्राई लगा सकते हो क्योंकि दोनों एक ही हैं, और पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, छः कार्बन की है, तो पैरेंट चेन छः कार्बन की है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट इसका क्या हो जाएगा, हेक्स, क्या होगा, हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। अब हमारे देखो सब्स्टिट्यूएंट ये साइड ग्रुप हैं वो एक ही यानी मिथाइल है, और कितनी बार है मिथाइल, कितनी बार है, दो बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है, विद लोकेंट, सबको लोकेंट देंगे, सबको सम्मान देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लेके चल रहे हो तो 2.5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ये नाम जो है वर्ड रूट और प्रफिक्स को मिला के लिखा जाता है, याद रखिएगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी प्रफिक्स हो, मिला के लिखेंगे आप, तो ये हो गया हमारा आईयूपीएससी नेम, बिल्कुल आपके रूल पर है। क्या है रूल, पहले क्या लिखा, वर्ड रूट, फिर क्या लिखा, प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या लिखा आपके प्रफिक्स मतलब सेकेंडरी प्रफिक्स, क्योंकि यहाँ प्राइमरी प्रफिक्स तो है नहीं, प्राइमरी प्रेफिक्स क्यों नहीं है, यहाँ प्राइमरी प्रेफिक्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि ओपन चेन है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं,
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मिलाते रहिए कि आप वाकई में सही नाम लिख रहे हो। चलो अब इसको बताइए, यहाँ पर भी देखो ये कार्बन 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 एज्यूम करना सीख ही लिए हैं आप, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, एक एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक, ये तो छः कार्बन क्या रही, और देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कार्बन की आ रही है, ठीक है, ये कार्बन है बेटा ये सब कार्बन, ठीक है। अच्छा और भी देखते हैं तरीका, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच कार्बन क्या रही है, तो मतलब कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो नंबरिंग कर दीजिए फटाफट, जब पैरेंट चेन जैसे सिलेक्शन हो जाए नंबरिंग कर दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कि इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये जो हमारा साइड ग्रुप है ये, यानी मिथाइल है, एक कार्बन वाला है तो मिथाइल है, ठीक है, तो एक कार्बन वाला मिथाइल है तो ये हमको पांचवा स्थान दे रहा है, यानी यहाँ से चलने पर हमारा पांचवे प्लेस पर ये मिथाइल मिल रहा है। उधर से नंबरिंग करें तो इस साइड से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अरे बाप रे, यानी एक मिथाइल के लिए देखो लोकेंड बदल गया, इधर से चलेंगे तो पांचवा और उधर से चलेंगे तो चौथा। तो आईयूपीएसी क्या कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो कम से कम प्लेस को गेन करें, यानी कम से कम नंबर गेन करें, यानी कि लेस नंबर हो, लोएस्ट नंबर हो, तो इधर से चलने पर लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो यानी कि बेटा बेटा यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, राइट, यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, गलत गलत। तो अब बताओ झम्मे से हो जाएगा इसका। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की, पैरेंट चेन कितने कार्बन की, आठ की, तो क्या लिखेंगे, आठ, सबसे पहले वर्ड रूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का है, एक कार्बन का है तो एल के क्या होगा, एल का हमारा हो जाएगा एक कार्बन का मेथ, मेथ सब देखिए आप लोग प्रीवियस में सब बताया गया है, तो इसीलिए एल्काइल, क्योंकि एल्काइल एल्काइल क्यों लगाएंगे, वाइल क्यों लगाया, वाइल क्यों लगाया, वाइल क्यों लगाया, क्योंकि वो पैरेंट चेन के साथ जुड़कर सब्स्टिट्यूएंट है, वो साइड ग्रुप है, खुद पैरेंट चेन नहीं है, खुद पैरेंट चेन होता तो एन इन आइन लगाने का हकदार होता, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड ग्रुप है, इसलिए एन इन आइन का हक खत्म हो गया, क्या लग गया, वाइल, ठीक, यानी कि मेथाइल एक कार्बन, दो कार्बन एथाइल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कितने पोजीशन पे है, चौथे नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर मेथाइल, फोर मेथाइल, ये है इसका किसी ने चेक कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट फटाफट देखते हैं साइक्लो का। अब यहाँ देखो साइक्लो हो गया, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए कोई भी चीज़ लिखते हैं तो, क्योंकि हमें इसी जगह पे ही सारी चीज़ बतानी है। अब ये हमारा आ गया साइक्लो, क्या आ गया बेटा, साइक्लिक कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक। अब यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स जिंदा हो जाएगा, अब प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होगा, अब प्राइमरी प्रीफिक्स का सम्मान बढ़ेगा, कैसे, देखो यहाँ पर जो हमारा क्लोज चेन है यानी जो साइक्लिक कंपाउंड है वो कितने कार्बन का है, एक दो तीन चार पाँच, और जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं एक ही एक कार्बन के हैं। तो होता क्या है, अगर साइक्लिक में ज़्यादा कार्बन है, यानी जो पैरेंट चेन अगर हमारा साइक्लिक है तो जो हमारा ये है साइड ग्रुप ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अगर साइड ग्रुप में कार्बन ज़्यादा होते और साइक्लिक में कम होते तब हमारा साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बताऊँ, देखो ये अभी आगे बताना भी है, ये देखो ये आपका दिख रहा ना साइक्लोप्रोपेन, ये तो कितने कार्बन है यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इस साइक्लिंग कितने कार्बन है, एक दो तीन। तो अब बेटा अब ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पैरेंट चेन। लेकिन यहां पर क्या है कि पांच कार्बन तो हमारा साइक्लिक में है, इसीलिए साइक्लिक हमारा क्या होगा यहां, पैरेंट चेन। तो ये एक एक कार्बन क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बहुत एग्जाम्पल मिलेगा, हर तरीका लेके चलेंगे आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब बताऊंगा।
तो चलिए अब इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है, जो साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग ऐसी करेंगे, नहीं साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग ऐसी नंबरिंग करेंगे कि जितने भी हैं आपके साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं सब एक बार में कवर होते हों, मतलब सब के सब लोएस्ट नंबर को गेन करते हुए कवर करते हों, हाइस्ट नंबर नहीं। कैसे देखो, अगर हम ऐसे नंबरिंग करें तो एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पर एक, फिर उसके बाद क्या आया, दो। मान लो आप कह रहे हो कि सर ऐसे नंबरिंग करें तो एक दो तीन चार पाँच, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल ये गलत है। कैसे, यहाँ पर एक नंबर तो दे दिया, एक सब्सिट्यूएंट को कुछ दोनों बराबर हैं तो कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो हम इस तरफ से चलेंगे तो एक दो तीन चार, यानी एक को एक मिल रहा है, यानी एक सब्सिट्यूएंट को एक नंबर और दूसरे को पाँच नंबर, ठीक है। ये सही है कि इस तरफ से चलेंगे तो एक न एक को एक नंबर और एक एक सब्सिट्यूएंट को एक नंबर और दूसरे को दो नंबर। तो यानी देखिए एक पाँच सही है कि एक दो सही है, तो आईपीसी कहता है एक और दो सही है, एक और पाँच वाला जो सिस्टम है वो गलत है। इसीलिए साइक्लिक कंपाउंड कि जब भी नंबरिंग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि जितने भी ग्रुप हो वो एक साथ कवर होते हों, कम से कम प्लेस लेते हों, यही आईओपीसी का सिद्धांत है, रूल है, नियम है, कानून है, हमको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके हम लोग क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के रूल पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर से नंबरिंग करें तो उसको मिटा देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन काहे रखें, गलत क्यों लिखें। चलिए अब बताइए, ये एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेथाइल है और ये भी मेथाइल है, दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही हैं तो चाहे नंबरिंग ऐसे करो चाहे नंबरिंग ऐसे करिए, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करो, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी वन टू दोनों कवर हो रहे हैं, वन टू दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों का प्लेस एक ही है, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट लोकेशन एक ही है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट भी एक ही हैं, मिथाइल मिथाइल हैं। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, आप कहीं से भी फॉलो करिए कि आपका दोनों तरफ से नंबरिंग सही है। चलिए इसका आईपीसी नेम लिखते हैं, इसमें पांच कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पांच कार्बन का, तो पांच कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है बेटा, पेंट, क्या होता है, पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। अब देखो पेंट के आगे क्या होगा, हमारा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक, कैसा है, साइक्लिक, तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी परफिक्स। देखो तीसरे नंबर पे आ गया, यहां पर नहीं नोट करते थे, यहां पर प्राइमरी प्रफिक्स नहीं लिखते थे, प्राइमरी प्रफिक्स साइक्लो लिखा जाता है, यहां नहीं लिखते थे क्योंकि ओपन चेन था, ये साइक्लिक है, तो यहां पर प्राइमरी प्रफिक्स क्या लिखा जाएगा, साइक्लो, ठीक। अब इसके बाद जो भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी प्रफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखेंगे, विद लोकेंट, विद लोकेंट, अगर एक ही है तो डाई लगा दीजिए, जो ऐसे जैसे मैंने पहले लगाया, तो वन कॉमा टू डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, हमेशा नंबर के बीच में कॉमा लगता है और जो हमारे सफिक्स या प्रीफिक्स हैं और नंबर के बीच में ये डैश लगाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल रूल पर है, पेंट का मतलब, पेंट का मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो का मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स और मेथाइल का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। देख लीजिए बिल्कुल फार्मूला पे हैं, ऐसे चलोगे तो कभी भी आईपीसी नियम आपका गलत नहीं होगा, वरना अगर हमारे तरीके से नहीं चलोगे तो आप जानो आपका काम जाने, फिर मुझे मत पकड़ना कि आशीष सर ने ऐसे बता दिया, मेरा वीडियो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, बार बार देखिएगा, कोई अगर इस तरह से चैलेंज करता है कि नाम गलत है तो बताइएगा, बिल्कुल रूल पे हैं हम, ठीक है। आइए नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला, इसमें बताओ बेटा, इसमें बताइएगा, इसमें एक देखो, इसमें छः कार्बन की साइक्लिक चेन है, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट, एक कार्बन का है और ये कितने कार्बन का है, दो कार्बन का। अब ये दो कार्बन का है तो ये बन जाएगा एथाइल, और एक कार्बन का है तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब देखो यहाँ तो दोनों एक ही थे लेकिन यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं, तो अब हमारी प्रॉब्लम आएगी कि नंबरिंग कहाँ से करूँ। तो चूंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो
तो प्रायोरिटी तो इनका हम लेके नहीं चलते, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चलते हैं। आईयूपीएससी क्या कहता है? आईयूपीएससी कहता है कि हमारे जो प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, हम उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ए बी सी डी के क्रम में जो पहले आ जाएगा उसको कम प्लेस देंगे, और जिनका ज़्यादा जो आगे और आगे आ जाएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस दे देंगे। कैसे? देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इथाइल है तो इथाइल का ई ये आएगा, और ये मेथाइल है तो मेथाइल का एम यहाँ आएगा। तो आईयूपीएससी कहता है कि नंबरिंग ऐसी करिए, ऐसी नंबरिंग करिए कि अल्फाबेटिकल में कम से कम, यानी पहले आने वाला जो लेटर है वो कम से कम प्लेस ले, उसका पोजीशन कम से कम नंबर ले। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि यहाँ से पहला नंबर लेगा और यहाँ से क्या लेगा, दूसरा नंबर लेगा। ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ से पहला नंबर और यहाँ से दूसरा नंबर। देखो सब्स्टिट्यूएंट दोनों हैं, 1, 2, 1, 2 पोजीशन दोनों आ रही है, लेकिन अल्फाबेटिकल यहाँ हमें फॉलो करना पड़ रहा है, अल्फाबेटिकल फॉलो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हैं, एक एथाइल तो एक मेथाइल, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ दोनों मेथाइल मेथाइल थे, दोनों एम एम थे, तो 1, 2, 1, 2 दोनों आ रहा, तो आप चाहे जहाँ से कर लो, लेकिन यहाँ क्या है, एथाइल में अल्फाबेटिकल ई पहले आ रहा है तो इसको कम से कम प्लेस देंगे। तो मतलब हमारी ये नंबरिंग जो है बेटा, ये नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब राइट होगा, सही होगा। और ये वाली जो नंबरिंग आप कर रहे हो, ये वाली नंबरिंग क्या होगा, रॉन्ग होगा ड्यू टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसी को कुछ लोग क्या बताते हैं, बहुत से टीचर बता रहे हैं, शायद आप भी पढ़े होंगे, कहते क्या है कि जिस हाइड्रोकार्बन का कार्बन कम हो, यानी कि जो स्मॉल हो, उसको कम नंबर दीजिए, और जिसका कार्बन ज़्यादा हो, मतलब लार्ज हो, उसको ज़्यादा नंबर दीजिए। मतलब नंबरिंग यहाँ से शुरू करो, जिसको हमने गलत किया है उनको क्या कहते हैं, सही करते हैं। लेकिन आईयूपीएससी यहाँ पर प्रीफिक्स के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करता है, तो बाद में फिर आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट किया, नहीं अल्फाबेटिकल ही सही है, हम ये लार्ज ग्रुप स्मॉल ग्रुप की बात प्रीफिक्स में नहीं करेंगे, हम यहाँ अल्फाबेटिकल करेंगे। इसीलिए अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग हमने इसको कम प्लेस दिया एथाइल को, और मेथाइल को उससे ज़्यादा प्लेस दिया। ठीक है, अब लिखेंगे भी अल्फाबेटिकल में, जैसे ई है तो ई वाला पहले, फिर उसके बाद एम वाला, ठीक है, विद लोकेंट, लोकेंट के साथ। आइए चलिए लिखो, इसका लिखते हैं, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, जो मिटा रहे हैं उसको आप लोग देख लिया करो, जो ना लिखे हो तो लिख लिया करो। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की, 6 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हैक्स। सभी सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगले मिल रहा, अभी आएगा डबल वाले भी आएंगे, ठीक है, आगे आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन। ठीक है, अब देखो हमारे सब्स्टिट्यूएंट एथाइल पोजीशन 1, देखो सेम ग्लोकेंट आ रहा है लेकिन डिफरेंट है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर सेम लोकेंट सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो कहीं से भी करिए, लेकिन जब सेम लोकेंट हो, यानी कि सेम पोजीशन आ रही हो, और डिफरेंट अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो, और वो किस में लिख रहे हो, प्रीफिक्स में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिखेंगे। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, वन एथाइल, अच्छा हाँ साइक्लिक है ना, तो यहाँ साइक्लो जोड़ दो बेटा, साइक्लो, तो वन एथाइल, फिर क्या आएगा, टू मेथाइल, अब तो समझ गए हो, तो एक साथ नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको मिला लीजिएगा, तो रूल पे रहेगा सब, तो क्या हो जाएगा, वन एथाइल, टू मेथाइल, साइक्लो हैक्स एन, ये देखो इसका नाम आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। अब तो ये तो बहुत आसान है, इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कार्बन की है चेन, यहाँ से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे देखो, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन का, 1, 2, 3, यहाँ भी 1, 2, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, मतलब जो एल्काइल यहाँ पर है वो प्रॉप है। अब यहाँ भी वही चीज़ है, 1, 2, 3, ये भी हमारा प्रोपाइल है, ये भी बेटा क्या है,
प्रोपाइल, और चार कार्बन की हमारी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड ब्यूटेन। तो नाम आसान है, नंबरिंग कहाँ से करें, कहीं से भी कर दो उसको कवर करते हुए, कम से कम प्लेस वाले में 1, 2, 3, 4। ऐसे मत कर देना कि ये 1, 2, 3, 4, एक वन नंबर एक फोर नंबर, एक वन नंबर एक फोर नंबर, ये गलत है। ऐसे करिए कि ये भी कवर होता हो। चलिए लिख दीजिए, दोनों एक ही हैं, प्रोपाइल हैं, तो 1, 2 डाई प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो नेम बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे ऊपर किया ऐसे इसको कर दिया है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पलों से हमने यहाँ सीखा कि कैसे आईपीसी नेम लिखते हैं किसी हाइड्रोकार्बन के, मतलब जिसमें एल्केन हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। अभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, तो घबराइएगा नहीं, हम अपने रूल पर रहें, पायर एंड चेन का सिलेक्शन भी वही हमारा हो, और उसी तरीके से हमारा नंबरिंग भी हो, हम उसी तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चलें। तो कभी घबराइए नहीं, आप घबराओगे तो नाम गलत हो जाएगा। बस मेरा एक सिद्धांत याद रखना, जैसा दिखे वैसा लिखें, और जो नाम लिखा हुआ मिलेगा वैसा स्ट्रक्चर भी दिखता रहेगा। जैसे ये नाम लिखा है तो ये नाम जो लिखा है वैसा है भी। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, साइक्लो का मतलब चेन फॉर्म में, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और हेक्स के पहले कार्बन पे क्या लगा है, एथाइल। हेक्स के दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल। नाम करेक्ट, क्यों घबरा रहे हो। ओके, तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, और भी इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आईयूपीएसी के रूल्स को समझते हैं कि किस तरीके से उसके नॉमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड का। हम यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन को भी समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल से आपको रूल्स, इसके नियम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक साइक्लिक यानी क्लोज्ड चेन जुड़ा हुआ है, और एक इसी के साथ यहाँ पर ये आपके ओपन चेन साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम किसको पैरेंट चेन माने, मतलब कि इस ओपन चेन स्ट्रक्चर और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसको हम वर्ड रूट लेके चलें, मतलब कि पैरेंट चेन किसको माने। यहाँ पर जब ऐसा केस आ जाए तो हम उसके कार्बन नंबर से उसके पैरेंट चेन को डिसाइड करते हैं। अगर साइक्लिक में कार्बन नंबर ज़्यादा दिख रहा है तो वो पैरेंट चेन हमारा वो हो जाएगा। मतलब जैसे ये देखिए, अगर यहाँ पर इस तरह का हो तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा है इस तरह से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साइड ग्रुप 1, 2, यानी ये 2 कार्बन की चेन हो गई, मतलब कि आपका साइड ग्रुप हो गया ओपन चेन मान लीजिए, और ये 6 कार्बन की साइक्लिक हो गई। तो ये हमारा किस में आ गया, आ जाता था वर्ड रूट, मतलब कि पैरेंट चेन में। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर ये 4 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा दिख जाए वही हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन होगा। ठीक है, जैसे इसमें पैरेंट चेन तो साइक्लिक था क्योंकि कार्बन नंबर ज़्यादा था। अब यहाँ पैरेंट चेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पैरेंट चेन हो जाएगा हमारा ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कितने कार्बन का है बेटा, 6 कार्बन के। जब हमारा डिसाइड हो गया कि अब ये हमारा पैरेंट चेन है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कार्बन नंबर कब है, सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने नंबर का है, 4 नंबर, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और ये साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। अब एन नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये पैरेंट चेन के साथ जुड़ेगा, तो हम क्या लगाएंगे, YL, ब्यूटा साइक्लो। यहाँ साफ साफ लिख दूँ, साइक्लो ब्यूटाइल, क्या कहेंगे इसको, साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक है, यानी कि साइक्लो ब्यूटाइल, यानी कि बी से स्टार्ट हुआ है अल्फाबेटिकल, और यहाँ पर देखो बेटा सी लगा हुआ है, यानी कि एक साइड ग्रुप क्या है, मिथाइल है, और ये हमारा पैरेंट चेन हो गया। तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे,
अब आया, चूंकि पायरन चेन तो डिसाइड हो गया कि ओपन चेन में कार्बन नंबर 6 हैं और साइक्लिक में कार्बन नंबर 4 हैं, तो ये ओपन चेन वाला बाजी जीत गया, मतलब कि अब ये हमारा पायरन चेन हो गया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए मैंने बताया था कि नंबरिंग के लिए आप अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को देख कर चलेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल देख कर चलिएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में जो नंबरिंग होती है सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल होती है। तो यहां पर देखो साइक्लोब्यूटाइल, तो साइक्लो में सी या फिर ब्यूटाइल के बी ले लीजिए, तो बी मेथाइल से आगे ही आ रहे हैं, मतलब कि अल्फाबेटिकल में बी पहले आएगा। तो नंबरिंग हमेशा इसी को देख के करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6। तो पहले नंबर पर साइक्लोब्यूटाइल और तीसरे नंबर पर मिथाइल, और पेरेंट चेन कितने कार्बन की है 6। तो अपने रूल पर टिके रहिए, अभी मैंने आपको सारे रूल बताए, तो बता दीजिए इसका क्या होगा आईपीसी ने, तो हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक, और 3 मिथाइल, फिर 6 कार्बन का है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम, क्लियर। तो चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम एल्कीन को लेके चलेंगे, कुछ बातें हम यहाँ पर एल्कीन की सीखते हैं, ठीक है। तो एल्कीन में सभी जानते हैं क्या मिलता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या मिलता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं कि जो वर्ड रूट लिखते हैं, देखो बेटा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स ही हमारा क्या होता है, एन इन और आइन, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। एन कब आएगा, जब सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अभी तक हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ही लेके चल रहे थे, इसीलिए वहाँ पर एन लिख रहे थे। और इन कब होगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आइन कब होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हमारे जो कंपाउंड दिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब वो डबल बॉन्ड वाले दिखेंगे, ठीक है। तो उनके हम नंबरिंग कैसे करेंगे, हम उनके पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इसको भी शायद लिख चुके हो आप, तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो कभी भी एल्कीन एल्काइन अगर ये आते हैं तो इनकी प्रायोरिटी बेटा इस तरह होती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नंबरिंग के लिए, यानी कि पेरेंट चेन के नंबरिंग के लिए बता रहा हूँ। और पेरेंट चेन ऐसा चुना जाएगा जिसमें हमारे डबल बॉन्ड इंक्लूड हों, वो मैं अभी बताता हूँ। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से होती है, और बाकी और इनकी प्रायोरिटी जो होती है वो किससे होती है, सब्स्टिट्यूएंट से होती है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बेटा, इसमें एल्काइल भी आ जाएगा, हाँ हैलाइड भी आ जाएंगे, हैलोजन वाले जो हो जाएंगे, नाइट्रो हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, इन सबसे क्या होती है, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अगर ये भी आ गया एल्काइल, मतलब वही मेथाइल एथाइल, अगर ये आ गया, और हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर ये आ गया, ठीक है, नाइट्रो जानते हैं, तो अगर इनसे और इनका कंपेरिजन करें तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ये हमारे सबसे लोवेस्ट लोवेस्ट लोकेट में रहेंगे, यानी क्या जो लोकेशन होगा, जो नंबरिंग होगी, ये हमेशा लोवेस्ट गेन करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल को ध्यान समझिएगा, देखो बेटा यहाँ पर पेरेंट चेन मतलब कि एक स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या डबल बॉन्ड है। तो होगा क्या कि अब हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड है तो कोई बात नहीं, सब सिंगल सिंगल हैं, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर वहाँ पे हम डबल बॉन्ड को देखते हुए हम उनकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और डबल बॉन्ड की क्या होती है, प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, तो इनको ऐसी नंबरिंग करेंगे कि ये कम से कम आपका क्या लें, लोकेंट लें, मतलब नंबरिंग लें। अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3
फोर। तो इस ओर से चलने पर डबल बॉन्ड को तीसरे कार्बन से स्टार्टिंग होगी, चूँकि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो हम वही कार्बन लेके उसका लोकेंट बताएंगे, ठीक है। वही नंबर उस कार्बन का क्या होगा, यानी डबल बॉन्ड का क्या होगा, लोकेंट होगा, ठीक है। जैसे ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलने में तीसरे कार्बन पर, यानी तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड की शुरुआत हो रही है, तो यही तीसरा नंबर इस डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, लोकेंट हो जाएगा, लोकेंट हो जाएगा। अगर ऐसे चले तो 1, 2, 3, 4, तो इधर से चलने पर क्या हो रहा है बेटा कि पहले नंबर से, यानी पहले कार्बन से डबल बॉन्ड की शुरुआत हो रही है, तो जिस कार्बन नंबर से डबल बॉन्ड की शुरुआत हो वही उस डबल बॉन्ड का क्या होगा, लोकेंट होगा। यानी ये इसका लोकेंट हो गया, इसका लोकेंट हो गया, यानी कि 1 इस डबल बॉन्ड का लोकेंट हो गया। तो हमारा IUPAC कहता क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो डबल बॉन्ड को हम कम से कम नंबर देंगे, और अगर केवल डबल बॉन्ड है तो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट से उनको हम कम से कम नंबर देंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा VIP है, तो ज़्यादा VIP हैं तो उनको आगे बैठाएंगे, मतलब कम नंबर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, राइट सही, और यहां से नंबरिंग करना क्या है बेटा, रॉन्ग गलत है। क्लियर हो गया। तो अब क्या नाम दे देंगे, कितने कार्बन है यहां पे, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और यहां पे डबल बॉन्ड, चूंकि डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, पहले कार्बन से, तो क्या लिखेंगे, 1-ene, क्या लिखेंगे, 1-ene, नंबर देते हुए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उनके लोकेंट के साथ लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उनके लोकेंट नंबर के साथ लिखा जाएगा। तो क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और इनका मतलब डबल बॉन्ड, इनका मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और किस कार्बन से स्टार्टिंग हो रही है, पहले से, इसलिए ब्यूट 1-ene, और इसी को कुछ लोग कैसे लिखते हैं, 1-butene भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, 1-butene भी कुछ लोग इसी से लिखते हैं, तो ये भी सही है। कहीं कहीं लोग but-ene-1 लिखते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट करेक्ट क्या माना जाएगा, सबसे मोस्ट करेक्ट ये माना जाएगा but-1-ene, क्योंकि इससे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। कैसे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, देखो 4 कार्बन, ब्यूट के जस्ट बाद आता है क्या, प्राइमरी सफिक्स मतलब इन आता है, तो ब्यूट के पहले कार्बन, देखो ब्यूट के पहले कार्बन से क्या लगा है, इन, इससे पूरा एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आता है। इससे क्या होता है, 1-but, यानी ब्यूट का पहला कार्बन इन लगा है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ये चीज़ें मतलब कि उतना सुटेबल नहीं होती, तो आप लोग इसको ज़्यादा फॉलो करिएगा। ये है, कुछ लोग बताते हैं सही हो जाता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट नहीं है, मोस्ट करेक्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले में, अब आप देखो यहाँ पर देखें, अगर इस ओर से नंबरिंग करें, सॉरी पहले तो पैरेंट चेन क्या है, कोई साइड ग्रुप तो है नहीं, कोई साइड ग्रुप तो है नहीं, तो हमारा पैरेंट चेन यही हो जाएगा। अब इसके जो डबल बॉन्ड हैं, अब इस डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है, तो ऐसी नंबरिंग करिए कि डबल बॉन्ड को कम से कम प्लेस मिले। अगर हम ऐसे लेके चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो 3 इसका लोकेंट हो गया। इधर से चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर से चलेंगे तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, यानी ये दूसरा कार्बन, दूसरा नंबर जो हो जाएगा यही इस डबल बॉन्ड का क्या होगा, लोकेंट हो जाएगा, मतलब उसका इन क्या हो जाएगा, 2-ene हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन नंबर कितने हैं, 5, तो इधर से नंबरिंग करना क्या है बेटा, करेक्ट है, इधर से नंबरिंग करना करेक्ट, और इधर से नंबरिंग करना क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग मतलब गलत है। तो नाम लिख दीजिए, पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन है, बिल्कुल रूल पर रहिए, वर्ड रूट पहले लिखेंगे, मैंने कई बार बताया, चलो यहाँ बता रहा हूँ, पहले क्या लिखोगे, वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या लिखोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो पेंट और किस कार्बन से, यानी उसका लोकेंट क्या है डबल बॉन्ड का, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2-ene, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2-ene, या पेंटीन 2 या 2-pentene, दिस इज अ मोस्ट करेक्ट सिक्वेंस टू राइट IUPAC ने, मतलब ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसमें बताइए, अगर इसमें देखो तो कार्बन चेन कितने नंबर की है, मतलब उसका लॉन्गेस्ट चेन कितने नंबर का आ रहा है, देखो 1 2
थ्री, वन टू थ्री, एक ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, जहाँ से भी देखो यहाँ से भी सिक्स आएगा। तो क्या करेंगे हम कि हमें इस डबल बॉन्ड को कम से कम प्लेस देना है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, वन टू, इधर तो नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नंबरिंग, मतलब डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन देनी है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाए तो उसका लिख दीजिए, इसका साइड ग्रुप एक तो ये जुड़ा हुआ है मेथाइल और एक जुड़ा हुआ है एथाइल, तो मेथाइल का लोकेंड दो और एथाइल का लोकेंड फोर, ठीक है, और ये तो वन कार्बन से स्टार्ट है, तो लिख दीजिए हैक्स, ठीक है, वन इन, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रेफिक्स, हैक्स वन इन, यानी हैक्स के पहले कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग। फिर ये हमारे कहाँ आएंगे, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये हमारे क्या हैं सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब आर है ये, देखो यहाँ आर लिखा है ना, आर का मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, साफ साफ लिख दे, आर का मतलब क्या होता है बेटा सब्स्टिट्यूएंट, एथाइल मिथाइल प्रोपाइल ये सब होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको आप आगे लिखेंगे, और अल्फाबेटिकल, क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल से, देखो अब यहाँ पर ये एथाइल है, ये यहाँ पर क्या है एथाइल, और ये क्या है बेटा ये है मिथाइल, मिथाइल, तो चूंकि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी यानी उसका प्रेफरेंस बहुत लास्ट में होता है, मतलब कि बहुत कम होता है, तो अगर हम उसके पहले क्या था जब डबल बॉन्ड नहीं था, इसके पहले वाले एग्जांपल को देखिए, इसके पहले जो सॉल्व कराया है वहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, तो हम अल्फाबेटिकल इस एथाइल को लेकर नंबरिंग करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा चाहे जो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो। तो ये आगे आ जाएगा, लिखेंगे अल्फाबेटिकल से ही, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फोर एथाइल और टू मेथाइल, ठीक है, हेक्स वन इन, देख लीजिए, मतलब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपको ज़्यादा देनी है, डबल बॉन्ड को कम से कम प्लेस देना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बाकी जैसे आपने किया है वैसे उसकी वैसे ही उसका क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आइए इसको देखते हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैंने बताया ना कि डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप, प्रायोरिटी मतलब उसको वरीयता ज़्यादा देंगे, भले ही आपको सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है क्या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो सब्स्टिट्यूएंट चाहे जैसे भी हों, ठीक है, हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही ध्यान में रख के नंबरिंग करनी है। अब आइए इसको देखिए, इसमें क्या है बेटा कितने कार्बन की चेन है, और कार्बन चेन ऐसी चुनिए कि डबल बॉन्ड भी उसमें इंक्लूड हो, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ये कैसे आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये देखो आ रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, याद रखिएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, कैसे देखिए, जैसे ये है, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको नहीं समझ में आया, ये है, अब देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी नौ कार्बन की चेन आ रही है, ठीक है, नौ कार्बन की ये पूरी चेन आ रही है, लेकिन हमारा डबल बॉन्ड तो छूट गया ना, तो डबल बॉन्ड को लेंगे तो एक दो तीन चार पाँच इधर आ रहा है, उधर जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात इधर आ रहा है, तो ये वाला हमारा जो है पैरेंट चेन नहीं होगा, पैरेंट चेन हमारा क्या होगा ये वाला होगा, ये इसमें एक कार्बन एक से लेकर सात कार्बन तक जो आ रहे हैं, ये वाला हमारा क्या होगा बेटा पैरेंट चेन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको इंक्लूड करते हुए, भाई हाइड्रोकार्बन कितनी बड़ी चेन क्यों ना हो, डबल बॉन्ड अगर आ गया ना तो सबके सब पीछे हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। देखो इसको करो, यहाँ पे देखिए अगर हम इस ओर से चले तो हमारा डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ जाएगा, एक दो तीन चार और कैसे करेंगे पाँच छः सात, देखो यहाँ एथाइल है और ये ब्रोमीन है, तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच मिल रहा है ऐसे चलने पर, अगर हम ऐसे घूम जाते ऐसे घूम जाते तो फिर क्या होता कि हमारे यहाँ पे केवल दो ही सब्स्टिट्यूएंट मिलते, एक ये पूरा मिलता है एक ये मिलता, लेकिन जब हम सीधे चले आए, देखो बेटा ये बिल्कुल सीधे चले आए ऐसे, तो यहाँ पर एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है,
तो IUPAC कहता क्या है कि लॉन्ग चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, या फिर यहाँ पैरेंट चेन भी हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ दो कार्बन से दो कार्बन यहाँ भी हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पाँचवें कार्बन पर आता डबल बॉन्ड, तो गलत हो जाता, डबल बॉन्ड को कम से कम प्लस देना है। अब IUPAC नेम लिख दीजिए, 7 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा बेटा, हैक्स। और किस कार्बन नंबर पर डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही, दूसरे नंबर पर, तो क्या लिखेंगे, 2-ईन। अब आइए इसके पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो 6 कार्बन क्या है, ब्रोमो, 5 कार्बन पे क्या है, एथाइल, और 4 कार्बन पे क्या है, मेथाइल। ABCD पढ़िए, तो ABCD पढ़ोगे तो B पहले आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ब्रोमो, फिर क्या आएगा, E आएगा, 5 एथाइल, फिर 4 मेथाइल, अब एक साथ लिख दे रहा हूँ, 4 मेथाइल, फिर क्या था वहाँ पर, हेप्ट ना, 7 कार्बन है ना, हेप्ट होगा, हेप्ट टू ईन, ये होगा इसका IUPAC नेम। चेक कर लीजिए, जो भी नाम लिखा है वो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी कर रहा है। हेप्ट मतलब 7 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और हेप्ट के दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, हेप्ट के 6वें कार्बन पे क्या है, ब्रोमो, ठीक, हेप्ट के 5वें कार्बन पर क्या है, एथाइल, और हेप्ट के 4थे कार्बन पर क्या है, मिथाइल, बिल्कुल करेक्ट नेम है। आइए ये वाला, अब ये वाला आप कर लोगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। देखिए यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग 4थे कार्बन से, यानी कि डबल बॉन्ड का लोकेंट क्या है, 4था कार्बन, वहाँ से आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो यहाँ से भी 8 आ रहा है, और यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 4था कार्बन, मतलब दोनों तरफ से 4 नंबर गेन कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कुछ और जुड़ा है कि नहीं यहाँ पर, तो देखते हैं, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है बेटा, ब्रोमो, एक क्या लगा है, एथाइल, ये C2 लिखा हुआ है ना, तो C2 को ब्रेक कर सकते हो, कैसे करूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो C2H5 लिखा है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं CH2CH3, देखो ये कार्बन में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन में ये ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हो, तो इसको यहाँ एज्यूम करिए कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एथाइल, और ये क्या है बेटा, मेथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, पैरेंट चेन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके साइड ग्रुप। अब इसकी IUPAC नेम लिखनी है, तो अब समस्या ये आई कि भाई दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का लोकेंट तो सेम आ रहा है, तो किसको सही माने, तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट ये डिसाइड करेंगी कि कहाँ से नंबरिंग करना सही है। अगर यहाँ ब्रोमीन को देखो तो अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन यहाँ ज़्यादा आता, मतलब पहले आता है, फिर ब्रोमीन के बाद बी के बाद किसका नंबर आता है, ई का आता है, और फिर किसका नंबर आता है, एम का आता है ABCD में। तो हमारा यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर हेल्प करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारी मदद करेगा इसकी नंबरिंग को सही ठहराने में। तो अगर हम इधर से चलेंगे तो बी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी अल्फाबेटिकल, तो इधर से नंबरिंग करना क्या है, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को एक ही लोकेट मिल रहा है, इसलिए अल्फाबेटिकल की अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हेल्प लिया हमने सही करेक्ट नंबरिंग को लिखने के लिए। तो यहाँ से आ रहा है ब्रोमीन 2 कार्बन पे, और यहाँ से मिथाइल आ रहा है 7 कार्बन पे, सॉरी यहाँ से आ रहा है मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ से अगर ब्रोमीन देखो तो 7वें कार्बन पे आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ से ब्रोमीन भी कम आ जा रहा है, लोकेट तो सेम है ही है, एक ही नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करना क्या बेटा है, करेक्ट है, यहाँ से नंबरिंग करना करेक्ट, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये पोजीशन गेन कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे आप, इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे, आई होप समझ में आ गया, ठीक है, जब दोनों, जब डबल बॉन्ड की लोकेंट सेम हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सही नंबरिंग करिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम से कम प्लेस चाहिए, तो ब्रोमीन पहले आ जा रहा है, तो इसलिए इसको कम प्लेस वाला यहाँ पर 2 नंबर दे रहे हैं, और यहाँ से चलोगे तो ब्रोमीन को 7वां नंबर मिल रहा है, तो कम नंबर यहाँ से गेन हो रहा है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, करेक्ट है।
तो इसका पैसिव नेम लिख दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। आठ है तो लिखिए ऑक्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग फोर कार्बन फोर इन, और फिर लिख दीजिए टू ब्रोमो टू ब्रोमो, फिर एथाइल का नंबर आएगा एथाइल फोर एथाइल एंड सेवन मेथाइल सेवन मेथाइल, ये होगा ठीक है। चलिए आइए नीचे वाला देखते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो क्या होगा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जिसमें अच्छा नंबरिंग ऐसे करेंगे कि पूरा डबल बॉन्ड कवर होता हो। अब ये नहीं कि डबल बॉन्ड को छोड़ के आप पहले नंबरिंग करेंगे, तो ऐसे करेंगे वन टू ऐसे, तो ये वन के बाद टू आया डबल बॉन्ड कवर हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं वन टू थ्री, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड को कवर करते हुए नंबरिंग करनी है, ठीक है। और कम से कम लोकेंड हमारे हैं वो भी जुड़े हों, जैसे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये किया हमने। तो यहाँ से चलने पर वन टू, यानी कि वन कार्बन क्या हो गया डबल बॉन्ड के लिए, और साइक्लिक कंपाउंड है ये, वन टू थ्री फोर, यहाँ फोर नंबर पे क्या मिल रहा है बेटा ब्रोमीन, और फिर क्या आ रहा है क्लोरीन। अच्छा और नंबरिंग करते हैं एक तरफ से, यहाँ से करते हैं, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम ऐसे नंबरिंग करें इस तरह से, तो ब्रोमीन को मिल रहा है कौन सा नंबर पाँचवा, और इधर से करेंगे तो ब्रोमीन को मिल रहा है चौथा, मतलब उसका लोकेंट चौथा है। अब अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन पहले आता है क्लोरीन उसके बाद आता है, तो फिर यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल हमारा क्या होगा बाजी जीत जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड तो है ही है, डबल बॉन्ड को पहला नंबर तो मिल ही गया है, उसके बाद जो हमारे आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम नंबरिंग को करेक्ट करेंगे, जिसमें दोनों ही तरफ से हमारा कार्बन नंबर वन ही मिलेगा आपको, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए वन ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से नंबरिंग करना हमारा क्या है करेक्ट है, ये वाला नंबरिंग करना क्या है रॉन्ग है, जो अंदर साइड से किया है ऐसे इस तरह से। तो यहाँ से पांचवा मिल रहा है ना वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ से क्या मिल रहा है वन टू थ्री फोर, ये चौथे नंबर पे क्या मिल रहा है ब्रोमीन, तो ये हमारा ज़्यादा मतलब करेक्ट हो जाएगा नंबरिंग, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नेम, साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, फिर हैक्स, फिर वन इन। अब साइक्लिक अगर डबल बॉन्ड एक ही है, अगर साइक्लिक में डबल बॉन्ड एक ही है तो वन लिखो चाहे ना लिखो वो अंडरस्टूड होता है, वो हमेशा नंबर एक पे रहता है। तो कहीं कहीं अगर वन नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है, वन इन जो है ना भी लिखो तो चल जाएगा, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। साइक्लिक में तो चाहे जहाँ लिखोगे एक नंबर मिलेगा ही, वन साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हेक्स इन। तो साफ साफ लिख दे रहा हूँ, चूँकि अब आप समझ गए हो तो तुरंत इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं। तो क्या होगा बेटा, फोर ब्रोमो, ठीक, फिर क्या होगा फोर ब्रोमो फाइव क्लोरो, क्लोरीन है पांचवें लोकेंट है इसका। नेक्स्ट साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लिक कंपाउंड है हेक्स, और वन इन। अब चूंकि साइक्लिक में एक ही डबल बॉन्ड है तो वन इन लिखो चाहे ना लिखो चल जाएगा, अगर आप यहाँ हेक्सीन भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। अब आप देखो इसके लिए बताइए, इसके आराम से बता लेंगे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे नहीं करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर यहाँ से लेके चलेंगे तो डबल बॉन्ड को वन लोकेंट तो मिल ही रहा है, लेकिन जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको ज़्यादा नंबर मिल जा रहा है, जो कि आईयूपीएसी कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो जो हमारे ये मेथाइल लगे हुए हैं ऐसे चलने पर कौन सी पोजीशन ले रहे हैं आपके वन पे और सिक्स पे ले रहे हैं, और अगर ऐसे चलोगे तो ये क्या ले रहा है टू और थ्री पे ले रहे हैं, ये टू और थ्री पे हैं, तो इधर से नंबरिंग करना क्या है करेक्ट है। तो साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग करते समय बस इतना ध्यान देना है कि जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो पूरे कवर होते हैं और कम से कम नंबर को गेन करते हैं जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख दोगे, मैं बोल दे रहा हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा टू थ्री लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो मैं यहीं कहीं पर लिख दे रहा हूँ इसको, चलो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसको मिटा के, लिख ही चुके होंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा बेटा, इसके लिए इसका नाम लिख रहे हैं टू
थ्री, क्योंकि एक ही है कार्बन कार्बन, एक ही कार्बन के हैं, मिथाइल हैं दोनों, टू थ्री डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स इन। तो वन मतलब ऑलवेज, अगर पूरे साइक्लिक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पर वन नंबर ना दो। अगर दो मिल जाए तो देखो ये देखिए अब दो आ गया, अब नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसका, एक कार्बन की यानी एक डबल बॉन्ड के लिए लोकेंट एक हो गया और दूसरे के लिए थ्री हो गया। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो वही उसका क्या होगा, लोकेंट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए साइक्लो ब्यूट, ठीक है कितने हैं, 1, 1, 3 डाई मतलब दो, क्या इन डाइन। जब भी इन के साथ ध्यान दीजिएगा, इन के साथ डाई ट्राई अगर ये यूज होता है तो फिर आपको वर्ड रूट जो लिखा है या पैरेंट चेन जो लिखा है उसके आगे ए बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, ए, इस बात को याद रखिएगा। ये हमेशा तब करिएगा जब डबल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा बार आ जाए, तो क्या नाम होगा, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई इन। ठीक है, अच्छा और इसको बारे में बताते हैं, एग्जांपल देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये, अब हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, हाइड्रोजन जो है H2S3 नहीं यूज कर रहे हैं, केवल कार्बन स्केलेटन से ही आप उसको समझिएगा। ये लिखा तो कितने डबल बॉन्ड हैं, तीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक इस लोकेंड को लेंगे, एक इस लोकेंड को लेंगे, एक इसको लेंगे, यानी कि 1, 4 और 6 से क्या हो रही, डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही है। तो आगे पीछे नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट है, हेप्ट। ठीक है, तो किस किस नंबर पे हैं, 1, 4, 6 ट्राई मतलब तीन, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन ट्राई इन, यानी ये हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है ट्राई इन। तो ट्राई आ गया तो बस करना क्या, हेप्ट के आगे बस ए लगा दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्टा 1, 4, 6 ट्राई इन। अगर दो हैं तो ये देखो, दो हैं तो 1, 2, 3, 4, चूंकि ओपन चेन है तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटा, ठीक है, 1,3 डाई इन। तो कहीं कहीं इसको क्या लिखते हैं, ब्यूटा डाई इन 1,3, या कभी कभी आगे लगा देते हैं, तो सबसे करेक्ट नेम ये होगा। मतलब कि ये एक्सप्लेन करता है, जो भी आपके ग्रुप हो या कोई आपके प्राइमरी प्रफिक्स हो सफिक्स हो उसके जस्ट आगे नंबर लिखा जाता है तो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। तो जैसे आपने डबल बॉन्ड के लिए सीखा वैसे आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए बता सकते हो, कैसे देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही ऑर्डर लगेगा, किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिंगल हो तो इसे देखिए, एक बता दे रहा हूं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड लाइन नोटेशन से लेके चलते हैं, या कार्बन है, अब सब आप लोग जान ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिपल, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर लोएस्ट नंबर लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड की भी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन भले डबल बॉन्ड से कम है लेकिन है तो यहाँ केवल ट्रिपल बॉन्ड ही है तो इसको प्रायोरिटी कम दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट, केवल एक ही है तो टू आयन। बस इन की जगह पर क्या रखना है, इन की जगह पर आयन रखना है। ठीक है, तो और लिखते हैं और इसकी नंबरिंग करते हैं, बस इन के जगह पर आइन। जैसे देखो मैंने ये लिखा, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पी लगा दिया, चलिए और एक यहाँ पी लगा दिया। ठीक, चलिए अब बताए इसकी नंबरिंग क्या होगी, जहाँ पर भी ये है कार्बन तो पता ही है, मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको कल समझाने के लिए, और कुछ नहीं आप अच्छे समझ चुके हो लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं।
तो पैरेंट चेन कितने का बनेगी, पैरेंट चेन भी वैसी हो जैसे डबल बॉन्ड के लिए आपने पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया कि पैरेंट चेन हमारे पूरे पैरेंट चेन हमारा डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए, वैसे ये भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा पैरेंट चेन है, ये हमारा साइड ग्रुप हो गया, और ये हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और एक साइड ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन है। साइड ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपीसी नेम लिख दीजिए, बहुत आसानी से लिख सकते हो। 8 कार्बन की पैरेंट चेन है तो क्या लिख देंगे, ऑक्ट। दूसरे कार्बन से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 2 आइन। उसके पहले क्या आएगा बेटा, अल्फाबेटिकल 4 ब्रोमो, और फिर क्या आएगा, 5 एथाइल। क्लियर है, तो चलिए और इसके बारे में सिखाते हैं। अच्छा मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक वो भी बताते हैं। तो उस देखिए, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आएंगे, जैसे ये एल्क हो गया, वर्ड रूट हो गया, तो वर्ड रूट के जस्ट बाद बेटा क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, और इन के साथ क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है। इन किसको बताएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आयन किसको बताएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और जब इनको जोड़ेंगे तो इन में से ई को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे और आयन को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन आयन। क्या बनेगा, एल्कीन आयन, ठीक है। तो इसके भी रूल को हम लोग देखते हैं। देखिए जब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का लोकेंट एक हो जाए, एक समान हो जाए, कैसे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तब आप देखिए डबल बॉन्ड को भी लोकेंट 1 और ट्रिपल बॉन्ड को भी लोकेंट 1, तो ऐसे केस में जब आपको चॉइस हो कि आप कहां से करेंगे कि दोनों की पोजीशन एक हो जाए, तो उस केस में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, जो मैंने अभी बताया था ना आपको उसका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ऐसे केस में इसको चॉइस करिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, सही है। यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, रॉन्ग है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट। क्या होगा, पेंट। 1 इन, ई हटा देंगे, 1 इन में, इन में ई हटा देंगे, ई ड्रॉप कर देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 आइन। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट। 1 इन 4 आइन, तो कहीं कहीं इसको ऐसे लिखते हैं, 1 पेंटीन 4 आइन। तो इस तरीके से आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हो, ठीक है। तो दोनों ही नेम सही हैं, लेकिन ऊपर वाला नेम क्या है बेटा, वो ज़्यादा करेक्ट है। ऊपर वाला नेम आपका कुछ ज़्यादा ही करेक्ट है, इसको आप लोग लेके चलिएगा, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गया, तो ये केस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा मान लो यहाँ पर ये बीच में आ जाए, या इनका जो लोकेंट अगर अलग अलग हो गया, तो डबल बॉन्ड का लोकेंट और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट अलग अलग हो गया, तो आप वहाँ पे सम ऑफ लोकेंट से अपना समाधान करेंगे, ठीक है। यानी सम ऑफ लोकेंट से डिसाइड करेंगे नंबरिंग किस ओर करनी है। कैसे, एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने सीखा। देखो बेटा, जैसे यहाँ लिखा CH3 ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो, अब डबल बॉन्ड तो बीच में आ गया, अब इसका लोकेंट अलग अलग हो जाएगा, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से चलें तो डबल बॉन्ड को 2 लोकेंट मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5 लोकेंट मिल रहा है, यानी कि 2 प्लस 5, तो कितना आएगा, 5 2 7। इधर से चलिए तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को 1 लोकेंट मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 4 लोकेंट मिल रहा है, कितना आ जाएगा बेटा, 5। तो 1 प्लस 4 1 1 2 3 4, ठीक है 5। तो हमारा जो सम ऑफ
सम ऑफ लोकेंट है वो किधर से कम आ रहा है, इधर से कम आ रहा है, यानी पांच नंबर इधर से मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा यहाँ से नंबरिंग करना क्या है राइट, और यहाँ से नंबरिंग करना क्या हो जाएगा बेटा रॉन्ग। तो आप इसी नाम लिख दीजिए, छः कार्बन है तो हैक्स तो क्या आएगा, पहले इन आएगा, देखो मैंने नियम बताया ना, इन पहले आएगा, तो फोर इन में जो ई है उसको हटा देंगे, ई हटा देंगे, फिर वन आइन, ये देखो नाम बन जाएगा। या फिर कहीं कहीं इसको कैसे लिखते हैं, फोर हैक्स इन वन आइन। तो इस तरीके से दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मोस्ट करेक्ट आपका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब डिफरेंट आ जाएं तो आप इस तरीके से नेम दीजिए, और अगर आपके कैसे आ जाएं, सेम आ जाएं, अगर सेम लोकेंट हो तो आप इस तरीके से नेम दीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको बताइए, चलिए इसको बताइए, यहां से नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, यहाँ से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ से भी देखो वन फोर टू थ्री तो दोनों तरफ सभी का लोकेंट बराबर ही आ रहा है, इसका भी लोकेंट वन है और इसका भी लोकेंट वन है, तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, यानी यहाँ से नंबरिंग करेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी नंबरिंग, साइक्लो मतलब साइक्लिक चेन है ना, साइक्लोस चेन है, साइक्लो हैक्स, फिर क्या होगा बेटा, वन इन एंड थ्री आइन, देख लीजिए तीसरे कार्बन से। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो मैंने सभी चीज़ें कवर किया है, मैक्सिमम रूल्स को कवर किया है, मैंने आपको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाया, सब कुछ एक एक चीज़ को बताते हुए, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए आपको मैंने समझाया है। तो इस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्केन हो, तो ये जो रूल आपने सीखा ना, नंबरिंग करना और आपके पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना, हाँ आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना, यही पूरे एंटायर केमिस्ट्री में लगाइए, ठीक है। बस वहाँ जब फंक्शनल ग्रुप और आ जाएंगे, एल्डिहाइड आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, उसका रूल तो पहले पढ़ा दिया मैंने, उसका सिंगल आईयूपीएसी नेम तो पढ़ा दिया, अब कॉम्प्लेक्स में आप कूदेंगे, अब हम कॉम्प्लेक्स में खेलेंगे कि किस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं। अब हम जब कॉम्प्लिकेट आपके कंपाउंड को देखेंगे तो फिर उसमें मज़ा आएगा आईयूपीएसी नेम लिखने में। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आई, आई होप, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। तो क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, नए हो चाहे पुराने हो, पुराने बच्चे भी अगर देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, वायरल कर दीजिए, लोगों की ज़िंदगी बनाइए आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिखा कर, ठीक है। आप पहले खुद सीखिए फिर लोगों को सिखाइए, क्योंकि आप में से कोई एक टीचर हैं, आप में से ही कोई स्टूडेंट हैं, आप में से कोई तैयारी करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को दमदार बनाइए तब फील्ड में उतरिए, तो मज़ा आएगा। तो इसी के साथ आप लोग को थैंक यू, ओके।